अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैजनाथ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के गठन में कांगड़ा के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इतना भारी जनादेश मंडी और कांगड़ा के लोगों की वजह से मिला है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं जो विश्व स्तर के नेता हैं और उन्होंने उन्हें हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए पसंद किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और जहां कहीं भी राज्य निर्वाचन सभाओं के लिए चुनाव होते हैं वहां भाजपा मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इन राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। जब देर होती है तो कई तरह के प्रश्न भी मन में होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि ये नेता सभी ऐसे होते हैं, तो कभी ना देते हैं और आते कभी हैं। ठीक जानकारी आपके बीच में जितनी कहना चाहता हूं, दिल्ली गया था सुबह 8:30 बजे का प्यार होते थे बैठा था कांगड़ा आपको निर्वाचन करने। दिल्ली में धूप 11 बजे तक उसने रोका, 11 बजे के बाद हम एयरपोर्ट पहुंचे, हेलीकॉप्टर का रोटर भी घुमा दिया, वो भी चल पड़ा, लेकिन इससे पहले उड़ान भरते तो कंट्रोल रूम से जो वहां से जो है वो एटीसी की तरफ से जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वहां से संदेश आता है कि इस वक्त ये सारा एरिया जो है नो फ्लाइंग जोन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत महत्वपूर्ण आर्मी के कार्यक्रम में जो है जस्ट मतलब वहां पर उपस्थित है, तो 1 घंटा आप जो है नहीं मिल सकते और फिर इंतजार किया और यहां पहुंचे पहुंचे देर हो गई, इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करके हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, लेकिन न बस में मेरे थी न किसी और से थी और ये भी पता नहीं थी कि देर आने की आदत सबको है और मैं यही कहना चाहता हूं फिर भी उसके बावजूद भी आपको असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। निर्धारित कार्यक्रम पालनपुर तक पहुंचने का और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे एक पिछले स्थापित परंपरा वर्षों से की गई है कि कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास मुख्यमंत्री का होता है और उस परिवर्तन उस परिवर्तन की शुरुआत बात से करते हैं, उस प्रवास की शुरुआत हम करते हैं। योगदान आप सबका हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान था, विधायक गुरुनाथ प्रेमी जी कह रहे थे इसलिए शायद तमाम रिकॉर्ड बैरनाथ के टूट गए होंगे आपके खिलाफ। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आपकी बैरनाथ की देवभूमि जहां भगवान शिव का वास है वहां से भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में यहां पर जिम्मेवारी मिलने के पश्चात में महसूस कर रहा हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी और इस जिम्मेवारी को हम तभी निभा सकते हैं जब आप सबका साथ सहयोग हर कदम पर चट्टान की तरह हमारे साथ आने वाले समय में भी बनता रहे। का सबसे बड़ा योगदान रहा जहां से सबसे ज्यादा सीटें आई और उसके बाद हमारा कांगड़ा और मंडी दो बड़े जिले दो भाई खास पड़ोस में और उसके बाद मंडी के साथ कांगड़ा चट्टान की तरह खड़ा हो तो हिमाचल प्रदेश में सरकार नेता जिनके जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है आदर है, आज श्री शांता कुमार जी सभा में उपस्थित नहीं हो रहे, मैं उनका आशीर्वाद लेकर के कल उनके घर जाकर के दिल्ली जाकर के आया हूं। यह देश की राह पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, एक परिस्थिति पूरे देश पर इस प्रकार से अगर मैं वो विश्व
विश्व नेता के रूप में है, तो ये सुन करके ये देख करके जब हम मोदी जी पहले ये कहा था विधायक नहीं बनेगा, विधायक बन गया, लेकिन उसके बाद लोगों लगा कि भाई इस तरह की जिम्मेवारी नहीं चलेगी, जिम्मेवारी लेगी तो उसके बाद कहने लगे कि बहुत मुश्किल है। हमने कहा मुश्किल कुछ नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र में जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, विधानसभा क्षेत्र में मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार विधायक, पांचों बार शिमला पहुंचकर विधायक चुना चाहिए। और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी ताकत रही है कम बोलना, लेकिन जहां जहां की बात है काम ज्यादा है। आज एक हमारी पहला कांगड़ा जिला में पहला हमारा जो शिलान्यास हुआ वो इतिहास में लंबे समय तक याद रहेगी, तो बैजनाथ काउंसिल का 1,25,000। मुख्यमंत्री ने कहा कि थके हारे सेवानिवृत्तियों को विस्तार देने की अवधारणा भाजपा सरकार की नहीं है। हमारी सरकार का पहला निर्णय 3,000 के करीब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का था। ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री की चापलूसी करने की विशेषज्ञ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये लोग वीरभद्र सिंह की दया पर निर्भर थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस चलन के खिलाफ है। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार बनने के बाद हमने कहा कि बहुत सारे काम करने को है, शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले मुझे लगा कि आवश्यक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें। और शुरुआत करने के लिए जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने एक विचार किया, हम गांव में जाते हैं, बुजुर्ग लोग मिलते हैं। सबसे खराब चीज इस आज के दौर में जीवन में बुढ़ापा हो गया, बच्चे हैं, खाते खाते जो है वो अपना कागज हमारे हाथ में देते कि पेंशन चाहिए हमको, पेंशन नहीं लगी। हम बोलते हैं परिवार में कितने लोग हैं, बोलते हैं बच्चे भी हैं बेटियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुढ़ापे में मदद मांगते हैं हमसे, तो आई उसको जो है वो आय सीमा में छूट दे करके जो है उसको पेंशन लगाएंगे। लेकिन 80 साल की उम्र के बाद कितने लोग हैं, सारी व्यवस्था को सोचना चाहिए। हम एक निर्णय किया पहली कैबिनेट मीटिंग में, जो आय सीमा में जो छूट देने की बात 80 साल के बाद पेंशन देने का प्रावधान था, उसको घटा करके हमने 70 साल किया। अभी 70 साल से ऊपर तमाम जितने भी अधिकारी, जितने भी जो काम जिनके सहारे, जिनके इशारे पर सरकार चलती थी, वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो सेवानिवृत्त थे, रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी थे, लेकिन प्रदेश को चलाए। आयु को देखते हुए हमें जो है आपके प्रति जो है पूरा आदर का भाव है, लेकिन हमारी सरकार रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारियों के बलबूते नहीं चलेगी। में हमारी अनुकूल सरकार नहीं है, 1.5 वर्ष से ज्यादा वक्त हो गया, 69 नेशनल हाईवे हिमाचल। नरेंद्र भाई मोदी ने अपने नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में डीजल बनाने के लिए दे रहा है, उसके बावजूद भी हम बैठे हैं, उनकी मार करके बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ये थी कहीं अगर डीपीआर का काम शुरू हो गया, कहीं हमने टेंडर का प्रोसेस शुरू कर दिया, सब जगह चर्चा हो जाएगी। चर्चा क्या हो जाएगी कि ये मोदी जी ने किया, ये गडकरी जी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया, इसलिए दबाए रखो, दफन करके रखो। सुविधा सड़क की जो है ठीक प्रकार से मिले, उसके लिए हमने धन्यवाद के 69 नेशनल हाईवे के लिए क्या क्या होता, लेकिन उसके बावजूद रेल जहां है वही बड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर 1515 पर गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की है। पिछली सरकार गुड़िया की अपराधी, जिसका शिमला जिला के कोटखाई में बलात्कार हुआ था और बेरहमी से हत्या भी कर दी गई थी, और एकमात्र साक्षी सूरज की भी पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। इसके अलावा होशियार हेल्पलाइन 10901 माफिया पर शिकंजा कसने के लिए शुरू किया गया है। वर्षों तक बंद रहा,
हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए योजना शुरू करने के लिए, उड़ान योजना शुरू करने के लिए, और इस योजना को शुरू करने के लिए मोदी जी शिमला पहुंचे, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जो उड़ान सेवा शुरू की है वो है हमारा जो है जो हमारा पावर हंस जो कंपनी है जो है जो उसके साथ जो है एग्रीमेंट हो गया, और उसमें चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, कुल्लू से आपके कांगड़ा, बहुत सारे स्थान के लिए जो है कितने पैसे में जाएंगे आदमी, कितने पैसे में जाएंगे, 2500 रुपए में, 2500 रुपए में आदमी चंडीगढ़ से। मैं 20 वर्षों से विधानसभा के अंदर हूं और 20 वर्षों से इस सड़क का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं से तो 30 वर्ष से कपूर साहब बड़े लंबे समय से 20-25 साल से वही शुरू नहीं हुआ। ये दोनों जिलों को जोड़ती है, कुछ पोर्शन चंबा जिला में होगा, कुछ कांगड़ा जिला में होगा, लेकिन इसके बावजूद तो हमने कहा कि एक तरफ का विधायक जो है हमारे बैजनाथ के हैं और दूसरी तरफ जो विधायक पड़े विधायक प्राथमिकता में डालो, क्योंकि प्रोविजन है, प्रावधान है, जिस सर को आप एमएलए प्रायोरिटी में डालेंगे उसकी जीपीआर बढ़ेगी और जीपीआर बढ़ने के बाद वो जो है बड़े सेक्शन के लिए जाएंगे। तो प्राथमिकता में डालें और विधायक प्राथमिकता में डालने के लिए इसी बजट में हम जो है वो 12-13 को आपकी बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में आप इसको बजट में डालें और उसके बाद इसी जीपीआर का प्रोसेस करेंगे। एक पार्ट यहां से, एक पार्ट दूसरी तरफ से, जो हमारा चंबा का इलाका पड़ता है और वहां से बताया कि बैकवर्ड एरिया का पैसे से थोड़ा सड़क निकाली है, लेकिन थोड़ा पैसा हम यहां से भी निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ से हम इसको बजट में डाल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे, हमारा धीरे धीरे कम होता जाए और उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं। अगर हमें इसमें दिल्ली में भी बात करनी पड़ेगी तो दिल्ली में भी जो उसके लिए स्पेशल जो है बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। ये भी साझा जवाब दिया आपके साथ इकट्ठा याद आए एक बड़ा गांव, छोटा गांव, सारे सारे घूमे इसका आप एस्टिमेट बना करके मुझे दे और इसको कर देंगे तो सभी कर देंगे। मैं घोषणा करता हूँ जितना पैसा लगेगा उतना पैसा दे देंगे। नगर पंचायत में जमीन चौथी है कि बस मैं इंदिरा को घूमे मेरे कैंडिडेट के साथ छह सात छाली कर रहे हैं उसमें सब कुछ मैं देखा मिला कि बहुत जगह पूरे प्रदेश भर से इसके प्रस्ताव आ रहे हैं। कांगड़ा के सांसद शांता कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे उनसे कल दिल्ली में मिले थे और आपके बीच आने से पूर्व उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में भाजपा की स्थापना में शांता कुमार जैसे कद्दावर नेताओं का 100% योगदान रहा है। वहीं बैजनाथ पहुंचने पर विधायक मुल्खराज प्रेमी ने मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर गोपाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। वहीं बैजनाथ की स्वयं सहायता संस्था प्रयत्न ने 11,000 रुपए, कार्य निरीक्षक संघ ने 11,000 रुपए, भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 12,000 का चेक भेंट किया तथा डॉक्टर सीमा ने 11,000 रुपए और सुमनलता व सुनील ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 का अंशदान किया।